नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। शराबबंदी के 2 साल बाद क्या है बिहार का सच? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। बिहार में शराब बंद हुए एवं नए उत्पाद के नियम लागू हुए 2 साल होने वाले हैं, किंतु शराब के अवैध व्यापारियों को असर नहीं दिख रही है। जहां शराबबंदी को जमीनी स्तर पर लाने के लिए सरकार और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब के कारोबारी बेखौफ होकर शराब की तस्करी में लगे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि कहीं से शराब नहीं पकड़ी जा रही है। शराब कारोबारी धंधे के नए नए अतकंडे अपना रहे हैं। कभी लग्जरी गाड़ियों से शराब बरामद हो रही है, तो कभी सरकारी गाड़ियों से भी। हर जगह से शराब मिल रही है। शराब पीने वालों को भी कमी नहीं है। विदेशी शराब के साथ देशी शराब का कारोबार भी खूब होता है। रोहतास में जहरीली शराब से मौत का मामला हो या शराब पीकर गाड़ी चलाकर हुए हादसे हों, हर मामले में शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 16 महीने की शराबबंदी में 3,88,000 से अधिक छापे पड़े हैं और शराब पीने के जुर्म में 68,579 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ है? क्या सीएम नीतीश कुमार इसकी समीक्षा करेंगे, या सिर्फ काले सच को छुपाकर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, बिहार में शराबबंदी है? लाइव सिटीज के लिए रजिया अंसारी की रिपोर्ट।